बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार कल IIT रुड़की पहुंचे, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। IIT रुड़की से अक्षय कुमार का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो IIT की मेन बिल्डिंग के गेट पर अपने चाहने वालों से हाथ मिला रहे हैं। अक्षय कुमार को देखकर लोग उनसे मिलने के लिए चिल्ला रहे हैं। अभिनेता अक्षय कुमार के प्रशंसक उन्हें देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे। लोगों से हाथ मिलाने के बाद वो सिक्योरिटी के साथ वापस चले गए। जानकारी के अनुसार रुड़की में अक्षय कुमार अपनी फिल्म शंकरा की शूटिंग के सिलसिले में पहुंचे हैं। एक ट्विटर अकाउंट ने कैप्शन में लिखा है, अक्षय कुमार शंकरा की शूटिंग के लिए आज IIT रुड़की पहुंचे। आपको बता दें कि अभी फिल्म शंकरा के बारे में बहुत सी जानकारी पब्लिक नहीं की गई है। अक्षय कुमार के कुछ चाहने वाले तो इस फिल्म के बारे में पहली बार ही सुन रहे हैं। शंकरा फिल्म के तथ्यों और परियोजना पर अधिक जानकारी सामने आने का अभी इंतजार करना होगा। ये फिल्म संभव है कि शंकरा सोरारई पोटरू का रीमेक का शीर्षक हो, लेकिन फिलहाल खुलकर इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि महामारी के बाद ज्यादातर बॉलीवुड फिल्में अपनी छाप नहीं छोड़ पाई थी। एक पठान थी जिसने लगभग 1000 करोड़ की कमाई की थी और सबसे अधिक कमाई वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। इसके अलावा भूल भुलैया 2, दृश्यम 2 और तू झूठी में मक्कार जैसी छोटी हिट फिल्में रही। अभिनेता अक्षय कुमार की 2022 की कोई भी हिट फिल्म नहीं रही, यहाँ तक कि सम्राट पृथ्वीराज और बच्चन पांडे जैसी फिल्में भी फ्लॉप रही। लेकिन अभिनेता अक्षय कुमार यहाँ पर ही नहीं रुके, बल्कि अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम करना भी शुरू कर दिया है। रुड़की से चांदनी कुरैशी की रिपोर्ट।